कंपटीशन का स्टेज था, उसमें भी किसी तरह की हीटर वगैरह की सुविधा नहीं थी। खेलूंगा तो दिल्ली वाला खेलूंगा। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू चैनल फ्लेक्स इंडिया। मैं हूं तेजस और इधर इट्स योर बॉय विक्की मलिक। योर बॉय विक्की मलिक, काफी ज्यादा अच्छी बॉडी बना रहे हो। बिग बाइसेप ब्रो। यस यस यस। तो आज हम आए हैं सुहास सर के जिम ओपनिंग के लिए। सुहास खामकर जिम का नाम है, 10 फिटनेस बाय सुहास खामकर, द वन एंड ओनली बेस्ट जिम इन मुंबई। यस, सो आज पूरा जिम देखेंगे, इतना बड़ा जिम है, और सुहास सर से भी बात करते हैं, और काफी ज्यादा एथलीट्स भी आए हैं, जैसे सर सागर का दुड्डे सर, सो उनसे भी बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आप देख सकते हो बहुत बड़ा जिम है और बहुत मजा आ रहा है। यस यस, हम लोग आज मेरा रेस्ट डे था, लेकिन फिर भी मैंने अभी थोड़ा वर्कआउट कर लिया, वर्कआउट किया, मजा आया। और उधर पोजिंग के लिए मस्त सेशन के लिए रूम है, बेस्ट है भाई पोजिंग के लिए, तो चीज पार्ट है। और एक विक्की भाई का वीडियो मैं दिखा दूंगा, बहुत मस्त। अभी नहीं, अभी हम लोग कैसा है कि अभी मैं थोड़ा फॉर्म में नहीं हूँ। ओके, जैसे ही मैं फॉर्म में आता हूँ फिर हम लोग साथ में वर्कआउट करेंगे, पोजिंग करेंगे, बहुत सारे कॉन्टेंट आने वाला है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। मैं आपसे एक दो क्वेश्चन करना चाहता हूँ। तो जैसे कि फाइनल्स में आप आए नहीं, मिस्टर इंडिया जो कंपटीशन हुआ था, तो उसके पीछे का क्या रीज़न है? मिस्टर इंडिया कंपटीशन हम लोग गए थे ना, तब तो हम लोग के लिए वहाँ पे जो टेम्परेचर था 5 degrees है उससे कम। ओके ओके, वो हमें मुझे तो एटलीस्ट सहन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं मुंबई में रहता, तो मुंबई में कभी भी ठंड नहीं पड़ती है। मैक्स टू मैक्स टेम्परेचर जाएगा 20 degrees, तो 5 degrees है उससे कम की हमें आदत नहीं थी। जो हमें रूम्स दिए गए थे उसमें भी हीटर वगैरह कुछ नहीं था। ओके हाँ, तो और जो कंपटीशन था, बैक स्टेज था, कंपटीशन का स्टेज था, उसमें भी किसी तरह की हीटर वगैरह की सुविधा नहीं थी। उसके बाद जो हम लोग वार्म अप, एक्चुअली में ठंड पहले दिन से ठंड सहन नहीं हो रही थी। आया हूँ तो खेलना है, कुछ तो करके जाना है, इसीलिए मैं खेल रहा था। जो हम लोग ने वार्म अप किया, सारा कपड़ा निकाल के हम लोग ऑयलिंग करके खड़े रहे। Okay. तो कम से कम 1 से 1.25 घंटा हम लोग बैक स्टेज ऐसे ही खड़े थे। क्योंकि सारे जजेस लोग का जो उनके गेस्ट थे या फिर जो भी थे, उनका मान सम्मान का कार्यक्रम शुरू था। 1.25 घंटा हम लोग ऐसे खड़े थे, तो इसकी काफ़ी तकलीफ हुई मुझे। मैं मेरा ग्रुप कैसे मेहनत से मेरा जो कैटेगरी वो खेल गया, फिर उसके बाद
फाइनल आने के लिए और दो अढ़ाई घंटे थे, तो उतना मुझे सही नहीं हो रहा था। मेरा हाथ पांव कांपने लग गए, मेरी सांस फूलने लगी, तो मैं समझ गया कि ये स्टेज का जो नेक्स्ट स्टेज का परफॉर्मेंस है वो मुझसे नहीं होगा, मैं यहीं पर बीमार गिर सकता हूँ। ओके, हाँ, तो मैं इसीलिए जजेस को इन्फॉर्म किया मैंने कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाता हूँ। ओके, हाँ, तो आप मतलब इसके लिए किसको मतलब ये करते हो, मतलब किसकी गलती लगती है? ये गलती उन ऑर्गेनाइजर की है, फेडरेशन की गलती नहीं है। जो ऑर्गेनाइजिंग जिसने जिन्होंने किया है उन लोगों को समझ में आना चाहिए कि 5 डिग्री के अंदर अगर बॉडी बिल्डर खाली पोजिंग ट्रंक पे खड़ा रहेगा खुली हवा में, तो उन्हें सेंस होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। इसलिए हीटर वगैरह का सुविधा होनी चाहिए बैक स्टेज स्टेज पर, ताकि बॉडी बिल्डर है वो कपड़े परफॉर्म कर पाए। बिल्कुल। तो सर मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई नेक्स्ट प्लान क्या है आपका, कौन सा कंपटीशन? हाँ, मेरा नेक्स्ट का भी मैं नेक्स्ट प्रिपरेशन, नेक्स्ट मिस्टर वर्ल्ड जो कि अक्टूबर में आएगा, उसमें मेरा नेक्स्ट जो अभी मैं 80 kg में खेल रहा हूँ उसमें मुझे इंक्रीज करना 85 कैटेगरी में खेलना है, उसका भी कोशिश करना, उसके लिए मैं अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट है मेरा। ओके, तो सर क्या ऐसा आगे हम लोग मतलब देख सकते हैं कि आप IIBB प्रो लीग में कम्पीट करोगे आगे फ्यूचर में कभी? क्योंकि इंडिया में ओलंपिया लेवल की बॉडी IIBBF में मतलब मैं जो ये प्रो कार्ड जो बोल रहे हैं इसलिए उसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करूँगा। क्योंकि पहली बात तो जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स है उन्हें बॉडी बिल्डिंग के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प होती है ये लोकल कॉम्पिटिशन या जो नेशनल वगैरह होते उसी में से होती है। अगर मैं प्रो कार्ड खेल रहा हूँ तो मैं यहाँ के फेडरेशन में नहीं खेलता हूँ, खेल सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे हैं हर कंपटीशन में से वो कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। तो मैं मेरा खर्चा नहीं उठा सकता मैं। जो कि है ज़्यादा खर्चा होता है वो नहीं कर सकता। हम लोग कैसे करते हैं, हर साल जो कॉम्पिटिशन में जो प्राइज मनी मिलता है वो हम लोग सेव करते हैं, वही प्राइज मनी नेक्स्ट ईयर में यूज़ करते हैं। ओके, दूसरी बात, प्रो कार्ड एक ही कॉम्पिटिशन होता है, अगर प्रो कार्ड मिल भी जाता है फिर भी हमें जो ओलंपिया के लिए जो कम्पीट करना है उस लेवल की बॉडी बनाने के लिए मुश्किल बात है। उसके लिए और फाइनेंस चाहिए, तो मुझे वो उसमें कुछ सेंस नहीं लग रहा है। जो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, उनका जो क्वालिटी होती है वो हम लोग नहीं ला सकते। बिल्कुल। तो सर जैसे कि माना जाता है कि IIBBF में जितने भी बॉडी बिल्डर्स कम्पीट करते हैं उनको रेलवे से जॉब मिलता है, तो कोई यंग लड़का जो बॉडी बिल्डिंग करके जॉब करना चाहता है तो क्या वे है? सबसे पहली बात, उन्हें अगर वो इसका एज कम है, वो कॉलेज में है, तो उन्हें नेशनल यूनिवर्सिटी में 1-3 के अंदर मतलब मेडल के अंदर उनका प्राइस आना चाहिए, या फिर जो अगर वो नेशनल लेवल पर है तो नेशनल में वो लोग मेडल के अंदर, इंटरनेशनल में मेडल के अंदर जरूर आना पड़ेगा उन्हें, तो जाके उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब मिलेगा। तो ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। ओके, थैंक यू सो मच। आपका स्टेट का या फिर आपका जो जहाँ रहते हैं उसका खेल के मतलब नहीं है, आपको कंपलसरी इंटरनेशनल नेशनल सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी या ऑफिशियल कंपटीशन का चाहिए। ओके, तो इस तरह से आपको जॉब मिल सकता है। जॉब मिल सकता है। ओके, ऑलराइट गाइस, तो हर एक जिम में ये रूम तो होना ही चाहिए, तो देख सकते हो आप, इसे कहते हैं पोजिंग रूम। तो यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स जो है जो तैयारी करते हैं वो अपना बैक, वो अपना फ्रंट, वो अपना हैमस्ट्रिंग सारी चीज़ें देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड जैसे कि आप लोग जानते हो सुहास सर इतने बड़े बॉडी बिल्डर हो तो इतना उनको एक्सपीरियंस है, इसीलिए उन्होंने इतना अच्छा पोजिंग रूम बनाया, आप देख सकते हो बहुत प्यारा है। हम लोग भी थोड़ा पोज करते हैं। सगळ्यांनी माझ्या जिममध्ये आल्यानंतर त्यांच्या त्यांना जे जे हवं आहे ते सगळ्या पद्धतीचं वर्कआउट होईल अशा पद्धतीची मी या ठिकाणी जिम तयार केलेली आहे। आणि मला वाटतंय येत्या काळामध्ये हे जे अत्याधुनिक पद्धतीचे म्हणजे जगातली सर्वात नंबर 1 इक्विपमेंट असणारी कंपनी लाईफ फिटनेस त्याचे इक्विपमेंट मी ठेवलेलं आहे। तुम्हाला माहीत असेल कुडाळकर साहेब मी कुर्ल्यामध्ये वर्कआउटला येत होतो सानिध्य जिममध्ये, तर त्या ठिकाणी तुम्ही बघितलं असेल की त्या पत्राच्या सेडमध्ये आणि फक्त 2-3 रॉड आणि बाकीचे असे काही मशनरीज होत्या, आणि त्याचबरोबर स्वप्नील त्या ठिकाणी होता माझ्याबरोबर वर्कआउटला, तर त्या मशीन्सवर आम्ही तिथपर्यंत मजल मारली होती। तर आम्हाला वाटतंय की आत्ता ही अशा पद्धतीची अत्याधुनिक मशनरीज जर मिळाल्यानंतर
आपण त्याचं काय सोनं करू शकतो हे पूर्ण आपल्या जगाला आपण दाखवू शकतो मित्रांनो. तर मला वाटतंय या ठिकाणी छान पद्धतीची एक सुसज्ज जिम एक प्लॅटफॉर्म तयार झालेला आहे तुम्हाला. या ठिकाणी या, आपलं शरीर बनवा, तंदुरुस्त राहाच. कॉंग्रॅच्युलेशन सर फॉर युअर न्यू जिम. तो सर मैं बहुत दिन से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपसे कि आप कम बैक कब कर रहे हो, और मैं ऐसे सुनने में आया कि आप दिल्ली वाला शो खेल सकते हो. ट्राई तो चालू है, अभी जिम की वजह से थोड़ा बिजी चल रहा था, अभी जिम में से फ्री हो गया हूँ. तैयारी मैं कर सकता हूँ लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है, लेकिन तैयारी चालू करूँगा और खेलूँगा तो दिल्ली वाला खेलूँगा, नहीं तो उसके बाद में कोई आने वाला शो बिल्कुल मैं करूँगा. ओके, तो आपका मतलब वर्कआउट वगैरह सब? वर्कआउट चालू है, डाइट चालू है, सब प्रॉपर चालू है, लेकिन जो अपना बॉडी बिल्डिंग का जो पिकअप और जो वे पकड़ना चाहिए वो अब तक प्रॉपर वे में नहीं गया है, इस चीज़ की वजह से मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ. लेकिन मैं जब कंफर्म 100% हो जाऊँगा तो मैं शो बिल्कुल करूँगा और मैं अनाउंस भी करूँगा आपके माध्यम से. ऑलराइट गाइस, सो काफ़ी बढ़िया मतलब जिम सर ने ओपन किया है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आके, और काफ़ी बॉडी बिल्डर्स आए थे जैसे कि आपने देखा होगा. सो इतना कुछ बात नहीं कर पाया सर से क्योंकि सर बहुत बिजी थे, बट काफ़ी बढ़िया लगा जिम. तो ऑब्वियस अगर आप यहाँ पे रहते हो चेंबूर में तो इस जिम में ज़रूर आना. सुबह सर खुद वर्कआउट करने वाले हैं यहाँ पे, सो आपको मौका मिल सकता है सर के साथ मतलब कि ट्रेन करते हुए सर को देखने का. सो ज़रूर आना, और चलिए पीस आउट, वीडियो बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.